मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार रोकने की मुहिम पर पतीला लगा रहे कानपुर के नगर निगम और केडीए के भ्रष्ट अधिकारी। आपको बता दें कि नगर आयुक्त दे चुके अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश, सरपस्ती के चलते नहीं हो रही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही। आपको बताते चले कि कानपुर नगर निगम जोन 2 के अंतर्गत R1 यशोदा नगर में 41 से 50 तक के मकान में रहने वाले निवासी एक लंबे समय से गली के विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि रोड में अवैध निर्माण के चलते गली का विकास नहीं हो पा रहा, जिसके लिए स्थानीय निवासियों ने नगर निगम के जोन 2 के अधिकारियों तक बात पहुंचाई, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकी। आपको बता दें कि नगर निगम और केडीए के अधिकारी जांच की बात कर मामले को टालने का प्रयास कर रहे, जबकि टेलीफोन का खंभा अवैध निर्माण के अंदर लगा हुआ है, फिर भी अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। कानपुर को अगर वास्तव में स्मार्ट सिटी बनाना है तो पहले कानपुर में नगर निगम और केडीए के अधिकारियों को स्मार्ट होना होगा। स्मार्ट होना से मेरा आशय ये है, आप सभी को पता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर लगातार गरज रहा है और लगातार अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हो भी रही है। हाल ही में ताज़ा एक ऐसा मामला मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिस पर पूरा विवाद अवैध निर्माण को लेकर की ही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो पूरी सड़क वो दिखा रहे हैं, इस पूरी सड़क पे दरअसल विवाद ये है कि इस सड़क पर इंटरलॉकिंग होनी थी और इंटरलॉकिंग और नाली का निर्माण सड़क के दोनों तरफ होना था, लेकिन इस निर्माण को पूरा नहीं कराया जा सका। कारण ये है क्योंकि ये जो सड़क है वो केडीए द्वारा स्वीकृत जो मैप है, जो नगर निगम का जो मानचित्र है, उसमें 40 फुट बताई जा रही है, लेकिन शुरुआत से और यहाँ तक सड़क आते आते 40 फुट तो है, लेकिन इसके बाद 40 फुट नहीं रह जाती है, क्योंकि ये जो दीवार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो लोग खड़े हैं इसके पीछे दीवार है, ये इस सड़क के आड़े आ रही है, इसीलिए ये निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका। इससे इलाकाई लोगों में काफ़ी रोष है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सड़क पर पानी है, कीचड़ है, इस तरह की समस्याओं से यहाँ की आम जनमानस को दो चार डेली होना पड़ रहा है, लेकिन लगातार शिकायतों पे शिकायतें करने के बावजूद भी, अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद भी कोई भी सुनवाई अब तक इन लोगों की नहीं की जा सकी है। आइए जानते हैं इन लोगों से कि पूरा मामला दरअसल में है क्या। नगर निगम हाय हाय, 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 नगर निगम हाय हाय। भाई साहब आ भैया, हाँ भाई साहब, ये जो पूरा मामला है जिसको लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये असल में पूरा मामला है क्या? ये मामला ये है, पिछले साल जब यहाँ पे सड़क का ये ऑर्डर हुआ है उसके बाद आधे भाग पे तो कार्रवाई कर दी गई अतिक्रमण की, लेकिन ये क्या कारण है, किसी पूंजीपति या क्या कारण की वजह से इस दीवार को नहीं तोड़ा जा रहा है। फिर बहुत से कागज मांगे गए, बोले केडीए से अप्रूव लेआउट ले आओ, सब कुछ उनको उपलब्ध कराया गया, परंतु आज तक कार्रवाई नहीं हुई। ये मामले की शुरुआत कब हुई और ये सारा कागज वगैरह कब मांगे गए आपसे और किससे किससे? 16 मार्च 2021 को पहली अतिक्रमण की कार्रवाई हुई और जब उस पे सब क्षेत्रवासी आए कि भाई देखो हमारा तो अतिक्रमण है, आपने तोड़ दिया, सामने की दीवार का जो वास्तविक अतिक्रमण है वो तोड़ें, तो वो नहीं तोड़ा गया और उसके बाद से केवल दौड़ा रहे हैं एक साल से। किन-किन अधिकारियों के पास आप? दरअसल पूरा जो विवाद है, आपको बता दें कि वो पूरा विवाद इस चार दीवारी को लेकर ही है। रोड की शुरुआत से और रोड के आखिरी तक 40 फुट नक्शे में रोड पास है, लेकिन आधी रोड के बाद ये जो चौड़ाई रह जाती है वो 30 फुट से भी कम रह जाती है। दरअसल पूरे विवाद का कारण यही है। और जो ये दीवार है, लोगों के मुताबिक ये दीवार जो है संजय अवस्थी जी के, जो उन्होंने घेर करके बनाया है, वो तय जो उनका बैनामा है उससे ज़्यादा बनाया है और ज़्यादा बढ़ा करके बनाया है, तो ये अवैध निर्माण के अंतर्गत आता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि टेलीफोन का खंभा आपको दिखाई दे रहा होगा, टेलीफोन का खंभा भी जो है इस चार दीवारी के अंदर लगा हुआ है। जाहिर सी बात है कि कोई भी टेलीफोन का खंभा या कोई ऐसी सरकारी चीज किसी भी मकान के अंदर नहीं हो सकती है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इस
जाहिर से आप इससे जाहिर होता है कि ये जो अतिक्रमण बराबर किया गया है, जिससे कि यहाँ के लोगों में रोष व्याप्त है और लोग लगातार अधिकारियों के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। अभी हाल ही में नगर आयुक्त द्वारा एक आदेश किया गया था इसके ध्वस्तीकरण को लेकर के, लेकिन उसकी भी कार्रवाई नगर निगम जोन 2 द्वारा पूरी नहीं कराई। जैसे कि क्या कारण है कि ये कार्रवाई अतिक्रमण है, आपने तोड़ दिया सामने की दीवार का जो वास्तविक अतिक्रमण है वो तोड़े, तो वो नहीं तोड़ा गया और उसके बाद से केवल दौड़ा रहे हैं एक साल से। किन किन अधिकारियों के पास आप गए और किसने किसने तोड़ा है? एसके सिंह चीफ इंजीनियर, वीके सोनी एक्सीएन, जोनल अधिकारी ने एक बार डेट भी दी परंतु कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि चीफ इंजीनियर और एक्सीएन दो मुख्य अभियुक्त हैं इस प्रकरण के, जो इस कार्रवाई को होने ही नहीं देना चाहते। ये ध्वस्तीकरण का आदेश कब हुआ था इसका? 18/10/2021 को प्रथम आदेश कार्रवाई के बाद हुआ था और उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरा आदेश जो आप बता रहे थे? दूसरा आदेश तो अभी दिया गया है नगर आयुक्त द्वारा 11/5 को कि इसका अतिक्रमण हटाया जाए, परंतु अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ये बाउंड्री वॉल है किसकी, कौन है? ये एक अवस्थी जी है, संजय अवस्थी, जो यहाँ नहीं रहते हैं। उन्होंने अपनी रजिस्ट्री से 32 फुट ज्यादा जगह घेरी हुई है, जो उनकी रजिस्ट्री में मेंशन है।